माणा गांव का पड़ा, आपको कुछ पता है? माणा गांव ये? हाँ, माणा गांव नाम क्यों रखा गया? माणा कल रात तो आते आते पता भी नहीं चला। देखिए कितनी गंदी हो गई है, ये देखो आप, मट कहाँ कहाँ तक घुसा है, ये आगे से गंदी बाइक बहुत अच्छी लगती है मेरे को। ये देखो ओस पड़ी हुई है, ये ना ये पूरी बाइक में ना ओस पड़ी हुई है। जितनी गाड़ियाँ सबके ऊपर देखो बर्फ जमी हल्की हल्की है, ओस जम गई है पूरी। वो देखो आप नज़ारा ना असली वाला। वेल सेट गो, गाड़ी में पूरी अभी तक बर्फ जमी हुई थी, मैंने उसे साफ कर रखी है। अब जो प्लान है वह है माणा गांव जाने का। माणा गांव है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है माणा गांव, जो है लास्ट इंडियन विलेज। थोड़ी गाड़ी को हीट कर लेते हैं पहले करीब, क्योंकि मिरर बहुत यार लूज हो गया कल से घूम घूम घूमते। ये स्थिति है और ठंडा वैसा है विकट, हालत ख़राब, ठंडा है जैसे मतलब पानी में ना हाथ लाने में डर लगता है, करंट आता है करंट फ्री बॉडी में। तो निकलते हैं, चलते चलो माणा गांव की ओर, ठीक है? रेडी स्टडी एंड गो। बैठो, अभी ऑन कर लेना कुछ देर बाद माणा गांव जाके। तुम सोचा कि 5 किलोमीटर में भी गाना सुन लूँगा। यह है पूरी बद्रीनाथ की मार्केट। बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे भैया, बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन की लेकिन कमी है थोड़ा। आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगा जब आओगे आप बद्रीनाथ, क्योंकि आसपास पेड़ है नहीं। कल रात हम इसी रास्ते से आए थे, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था इसलिए मैंने रास्ता आपको दिखाया नहीं। इसी रास्ते से अंदर एंटर हुए थे, जिसके सामने भी बहुत सारे होटल हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चली जाए दबा के, ये रोड चले गई जोशी मठ को और ये रोड चले गई ऊपर माणा गांव को। जय बद्री साहब, बसलारा और माणा दोनों साइड पे। अब देखो सामने का नज़ारा, सामने का नज़ारा इतना ज़बरदस्त है, हद से ज़्यादा खूबसूरत ये नज़ारा है। इतना हो रहा है ठंडे से भाई साहब हाथ पाँव अकड़ गए हैं अभी सुबह सुबह ठंडे में बाइक चलाने में, तो स्थिति नाजुक किया गया है। 5 किलोमीटर चलानी है, ज़्यादा दूर नहीं चलानी है, तो फिर भी ठंडा है। देखो होटल है यहाँ पर अवेलेबल। कैसी जबरदस्त रोड है, क्या व्यू है भाई साहब, मजा आ गया यार जबरदस्त। देखिए उनको ये नीचे अलग अंदापुरी बह रही है, वो नीचे पूरा बद्रीनाथ और सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़,
दिलकश नज़ारा, माणा गांव, द लास्ट इंडियन विलेज ऑफ इंडिया। इसके बाद आएगा चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर आता है, तिब्बत बॉर्डर, सॉरी। ये यहाँ का हेलीपैड, यहाँ पर आके हेलीकॉप्टर रुकते हैं, चार धाम यात्रा जो हेलीकॉप्टर करते हैं उनके यहाँ पड़ी है। बीच में यहाँ बर्फ गिर जाती है, पूरा इलाका बंद रहता है उस टाइम पे, सारी यात्रा आता सब रुक जाती है। सिर्फ तो आर्मी रहती है, इंडियन आर्मी उस टाइम पे, मंदिर की रक्षा भी वही करते हैं। और सामने एक वाटरफॉल बह रहा है, वो सामने वो बड़ा मस्त लग रहा है। वो उधर है माणा गांव, वो उधर माणा गांव सामने दिखाई दे रहा है, छोटा सा गांव है, वही होगा क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर में वही दिखाई दे रहा है। लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा में आपका हार्दिक स्वागत है। जो ऊपर रोड जा रही है वो जा रही है माणा पास को, शायद यहाँ पता कर देंगे क्या होता है। यहाँ पर फोटो बताऊँ माणा पास के लिए, गुड मॉर्निंग जैन। ये माणा पास जाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर मैंने आर्मी वाले से बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि पहले मुझे DM से परमिशन लेके आनी पड़ेगी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, फिर वो मुझको अलाउ करेंगे, इनको मैसेज भेजेंगे कि इतने बाइकर्स आए हैं और वो जाना चाहते हैं माणा पास, तब जाके हमको अलाउ करेंगे माणा पास जाने के लिए। ये है कंडीशन, यानी कि हमको पहले परमिट लेना है चमोली से, चमोली के DM साहब से परमिट लेना है, उसके बाद हमको इनके पास आना है, इनको अपनी ID प्रूफ देके हम लोग जा सकते हैं माणा पास। इस बार तो हम लोग जा पाएंगे, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ज़रूर आपको लेके जाता माणा पास। नेक्स्ट टाइम का मैं बताऊँगा अपना माणा पास जाने के लिए। देखिए ऑफ रोड आगे से वाटर क्रॉसिंग आ गई भैया, इसी मुनि ज्ञानी आदमी जा रहे हैं ठंडे में, वो भी माणा गांव जा रहे हैं। ब्लैक आइस भी जमी हुई है हल्की हल्की यार, ब्लैक आइस बड़ी खतरनाक होती है बाइकर्स के लिए, खतरनाक ही है कुछ ज़्यादा। वो पूरा शायद कैंट एरिया है क्योंकि आर्मी के ट्रक वगैरह खड़े हैं। ठीक नीचे बह रही है अलकनंदा नदी जो आती है सतोपंथ लेक से। यहाँ भी ऑफ रोड मिली है, गाँव आ गया से हमारे भारतीय जवान भी ठंड में देश की सुरक्षा कर रहे हैं यार। अभी तो यहाँ ठंडा ज़्यादा है नहीं, अभी भी हमारी हालत ख़राब है, लेकिन जब यहाँ पर ठंडा हो जाएगा विकेट वाला, जब कुछ दिन बाद यहाँ बर्फ़ गिर जाएगी बहुत तगड़ी वाली, तो किसान में आप देखें अब तक ज़बरदस्त नज़ारा है ना, ज़बरदस्त नज़ारा। कहीं को भी भाई साहब कुछ भी, कहीं भी गाड़ी मोड़ ली देख के। गाड़ी यही पार्क करनी पड़ेगी लग रहा है मेरे को कहीं। ये देखिए सामने का दिलकश नज़ारा, लोग पहुँच चुके हैं द लास्ट इंडियन विलेज माणा। कुछ शॉप है यहाँ पे, बहुत सारे लोग की फोटो देखी है मैंने, जैसे हिंदुस्तान की अंतिम दुकान चाय की। जय घनियाल, स्वागतम, वेलकम इंडियन, लास्ट इंडियन विलेज माणा। लोग हमसे पहले आके भी चल गए, तो गांव की ओर घूमते हैं थोड़ा। यह है तिब्बतन मास्टर चीफ, काफी तगड़ा होता है देख के लग रहा है। भारत के आखिरी गांव माणा में आपका हार्दिक अभिनंदन है।
या आंटी जी, आप इसी गांव में रहते हो? ये लोग अभी जैसे ही बर्फ पड़ेगी शायद यहाँ से पलायन करके वापस कहीं नीचे चमोली उमोली साइड में जाके बस जाते हैं, और जब फिर से इसका रास्ता खुल जाता है तो ये वापस आ जाते हैं। अभी ये लोग जाएंगे करीब नवंबर लास्ट में, जब यहाँ धीरे धीरे ये लोग यहाँ से पलायन करेंगे और वापस जाएंगे और नेक्स्ट ईयर दोबारा वापस आएंगे। लोगों से बात हुई जो, उससे पता चला कि इनका अंदर जो मेन बिजनेस है वो है कृषि। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भीमपुल इस साइड को जाना है, सरस्वती धाम भी साइड का आना है, केशव प्रयाग साइड का आना है, गणेश गुफा और व्यास गुफा इस साइड का आना है। पहले हम चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से महाभारत जो हमारे यहाँ महाग्रंथ है वो इस माणा गांव में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा। यहाँ पे पहले हम जाएंगे गणेश गुफा। तन्मे मनो शिव लंपन मस्तु, यह है गणेश गुफा। फोटोग्राफी नॉट अलाउड इनसाइड मंदिर परिसर, छायाचित्र मना है मंदिर के अंदर, तो इसलिए से बंद कर देते हैं। ये पूरी सुंदर वैली, एक साइड धूप अभी आई नहीं है, इस साइड धूप आ गई है और वो सामने देख रहे हैं आप। दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके, ये देखिए ये व्यू बहुत जबरदस्त है इसका। अभी आंटी नीचे आके लेंगे, भीमपुल जाना है तुम्हें, पहले व्यास गुफा जा रहे हैं उसके बाद भीमपुल जाएंगे। मतलब ये तो ऐसा करके जाएंगे ना, इधर ले पाए। अच्छा ले जाओ। क्या चीज है ये? वो है वो मसाला, चाय मसाला। चाय मसाला? हाँ। अच्छा तो दे दीजिए। कितने का है? एक 10 रुपया। तो 5 दे दीजिए। ये किससे बनता है? हाँ। भगवान नहीं है वो, तो बद्रीनाथ विशाल। हाँ हाँ। उसका माला से बना। अच्छा लीजिए। शुगर का दवाई चाहिए? अच्छा नहीं, शुगर की दवाई नहीं, शुगर का दवाई नहीं, बस हो गया आंटी। ये क्या जी? दाल की छोंक भी ले जा रहे। दाल की छोंक क्या होता है? दाल की छोंक अच्छी होती है, ये जिम्बू। अच्छा ये अच्छी होती। अच्छा ये कितने का? 10 रुपए का है? 20 रुपए का। अच्छा लाओ ये भी दे दीजिए। एक ही ले जा रहे? हाँ एक ही चाहिए, ये तो बहुत दिन चल जाएगी ना। लीजिए इसका इसका नाम माणा गांव का पड़ा, आपको कुछ पता है? माणा गांव ये? हाँ माणा गांव नाम क्यों रखा गया? माणा हमारा तिब्बती वाले नहीं है था। हाँ हाँ तिब्बती के जो बोले के लास्ट माणा। अच्छा लास्ट माणा। एक ही ले जा रहे बेटा? हाँ एक ही ले जा रहे। वो मेरा भाई छोटा, तब रखा माणा का। अच्छा तो आप लोग अभी बर्फ में भी यही रहेंगे? नहीं बेटा, हम भी पट बंद होगा। हाँ तब जाएंगे हम। अच्छा तो आप कहाँ चले जाते हैं फिर रहने के लिए? आ जाते हैं बेटा गोपेश्वर में। गोपेश्वर में? अच्छा आपका गांव गोपेश्वर में होगा। बच्चा तो वहीं पढ़ती है ना हमारे। अच्छा पर हम इस खरीदने के लिए बेचने के लिए। अच्छा वहाँ आप बनाते हो ये सामान लेके यहाँ बेचने के लिए आ जाते हो? अच्छा ये हमारे रोजगार। अच्छा ये रोजगार है आपका? आसान है। अच्छा ये भी मशीन लगी होंगी आपके? मशीन में नहीं, हम अपने हाथ से बुनती है। अच्छा ऐसे हाथ से बुनते हैं? महंगा होता है। अच्छा सही है सही है। फिर तो अच्छा फिर बाद में जैसे कपाट खुलते हैं तो आप लोग इधर आ जाते हैं? नीचे जाते तो ऐसा कारोबार करते हैं। अच्छा ऊपर आते तो ऐसा सीजन लग रखा है। हाँ तो ये बिकाती है। अभी जैसे कपाट बंद होंगे आप भी गोपेश्वर चले जाओगे? एक दिन आगे हम जाते हैं ना। हाँ एक दिन पीछे बद्रीनाथ कपाट खुलते, तो इसका मतलब घर में बच्चा होगा आदि होगा वो लोग पट हो करके। हाँ। दूसरा दिन वो भी लोग जाए। अच्छा पर जाना है कि मतलब पट खुलने के बाद सब जाते हैं। अच्छा खुलने के बाद? हाँ। और आने के बाद? आने के बाद जाने के बाद जाने के बाद।
तब ये इसका वो बनाती हम लो ही हाँ, छोटा छोटा बस कर देती भगवान को हाथ अच्छा तब जिस दिन पट क्या खुलेगा हाँ, तब उस दिन मतलब भगवान जैसा बड़ा बड़ा अवसर लोग नहीं आते हाँ, हाँ, तो उनका इसी का पासा देती अच्छा लिफाफा बनकर अच्छा तब पूरा गाँव वाले ऐसा देती अच्छा मतलब छोटा छोटा ना हाँ छोटा 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 आपने चूली कर मफलर 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 तो इसीलिए तो हमारे या हमारा जो ये काम है तो ये हमारे भगवान के उदर से बना अच्छा आप लोग ले जाओ तो नहीं अभी हमको जरूरत नहीं ठीक है अच्छा आंटी जी नमस्कार नमस्कार अब हम पहुंच चुके हैं श्री वेद व्यास गुफा में सत्य पर धीमे ही चलिए देखते हैं इसके अंदर का और अंदर का नहीं है भैया गुफा का मना है जूते उतार दीजिए ज्ञान प्राप्त करते हैं पंडित जी से नीचे बह रही है रिवर देखिए कितनी प्यारी लग रही है हवा का भाव भी बहुत तेज है और रिवर देखिए अलकनंदा अलकनंदा नदी है आवाज यहाँ तक आ रही है बहुत तेज और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लू कलर का पानी भीम पुल में यहाँ भीम पुल और यहाँ देखिए चार पांच शॉप है सब में लिखा है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान और सरस्वती नदी का उद्गम यहीं पे ही है यहाँ पे पहले एक नागा बाबा बैठते थे आज है नहीं शायद छोड़ रखे मौनी महाराज ये है भीम पुल ये स्टोन देख रहे हैं जहां पे पुल बना हुआ है भीमपुर जब पांडव लोग जा रहे थे स्वर्ग के रास्ते पे तो सरस्वती नदी का बहाव बहुत तेज था उन्होंने उनसे मिन्नत करी लेकिन उसका बहाव हल्का नहीं हुआ तो भीम ने एक बहुत बड़ा पत्थर लाके यहाँ पर रख दिया था जिसे आज भीमपुर के नाम से जानते हैं ये सरस्वती नदी का उद्गम यहीं पर ही है और उद्गम के साथ उसका संगम ही भी ये विलुप्त हो जाती है अलकनंदा में इस संगम को बोलते हैं केशव प्रयाग इस संगम को बोलते हैं केशव प्रयाग क्योंकि यहाँ पे सरस्वती नदी को गणेश जी का श्राप लग गया था वेद व्यास जी सुना रहे थे अपनी कथा गणेश जी लिख रहे थे महाभारत तो आवाज की वजह से वो सुन नहीं पा रहे थे उन्होंने सरस्वती जी से निवेदन किया कि आप हल्के भैया मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी तो गणेश जी ने उनको साफ दे दिया कि आप यही विलुप्त हो जाओगे आप देख रहे बहाव कितना तेज है और आवाज कितनी तेज आ रही है तो सरस्वती नदी यही विलुप्त हो गई और उसके बाद वो दिखी सीधे इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में तो ये सब कुछ था नजारा पूरे माणा गांव भीम पुल वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा का यह सरस्वती मंदिर जो है उद्गम स्थान पे भाव कितना तेज आवाज देख रहे हो आप यह है पूरा भीम पुल आप देखो ये भीम जी ने पूरा पत्थर रख दिया था जब पांडव लोग चले थे स्वर्ग की ओर से ये पूरा भीम पुल है तो अभी हम बैठे हैं हिंदुस्तान की अंतिम दुकान ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है इसमें लगाया कि अपना इस हिंदुस्तानी भाई को एक बार सेवा का अवसर जरूर दें जब भी आप माणा गांव आए तो यहाँ आके हमारी तरफ मैगी या चाय कुछ भी पी के जाए 1962 में चाइना के साथ इंडिया का वॉर हुआ था उसके बाद ये गांव वालों ने पहले तिब्बत में आता था शायद ऐसा कुछ होगा फिर ये लोग हिंदुस्तान में ये गाँव उस सब कुछ माना गया उसके बाद तब से गांव 1962 में हिंदुस्तान में आ गया माणा गांव तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया मेरा आज का तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थम्स अप जरूर होना चाहिए और मिलता हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे क्योंकि ये ब्लॉग भी काफी बड़ा बन चुका है अब नेक्स्ट मुझे जाना है वसुधारा फॉल उसके बाद वसुधारा फॉल जाऊंगा और वो बहुत औसम जगह है उससे बड़ा वो स्वर्ग का रास्ता है क्योंकि पांडव लोग स्वर्ग किसी रास्ते से गए हुए थे अब आप उसको देखना नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़े बड़े बनते आ रहे हैं क्योंकि हैवी दिखाने के लिए काफी कुछ है इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड